बेटे को बड़ा हॉरर दिलाता है बिकॉज मैं ऐसी माँ हूँ जिसके अपने बेटे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और जो हम करते हैं और जो आप एपिसोड्स में देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कितनी कॉमेडी है हर एक जो किरदार है. मैं ईशान गांधी जो हमारे डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं उनकी तो मैं जब आई बिकेम अ फैन ऑफ फिल्म्स मुझे पहले बहुत अच्छे लगे पर ये पढ़ने के बाद कि उन्होंने जो एक एक किरदार लिखा है ईच विल स्टैंड आउट. और मैं ये ऑडियंस से कहूँगी दावे के साथ कि हमारे हमारे कैरेक्टर्स जितने भी वन लाइनर्स हैं आप सब रिपीट करेंगे उसे इतनी खूबसूरती से लिखा गया. उससे पहले तो मैं ये बोल्ड और ये आइडिया ब्रेक करना चाहती थी कि टेलीविजन एक्टर वेब सीरीज एक्टर थिएटर एक्टर फिल्म एक्टर आज मैं ये सब आपके माध्यम से सबको गुजारिश करना चाहूँगी कि हम एक्टर्स हैं हम कलाकार हैं हम हर माध्यम में फिट हो जाते हैं किरदार हमारे ऊपर सूट करना चाहिए और हम किरदार के लिए सूट करना चाहिए. तो जब ये पहला वेब सीरीज मेरा पहला वेब सीरीज है आप लोगों के सामने तो जब मेरे पास आया तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी. और जैसे कि मैंने कहा जब मुझे स्क्रिप्ट मिली और जब मैंने पढ़ी उसके बारे में तो मुझे बड़ी क्लीन प्यारी अच्छी सी कॉमेडी है हॉरर कॉमेडी है आपको मज़ा आएगा इसे देखकर. तो इस तरह के प्रोजेक्ट में एकदम आग बनना मेरे बहुत ही भाग्यशाली है. सो बेसिकली हमारा शो का नाम है भूत पूर्वा. मेरे कैरेक्टर का नाम है आरव. आई एम ऑल्सो प्लेइंग द भूत. इट्स अ फन लविंग हॉरर स्लैश रोमांस स्लैश कॉमेडी. ये बहुत बड़ा वाला स्लैश है. आइडली आप लोग को देख के खुशी भी होनी चाहिए मज़ा भी आना चाहिए. हमने मेहनत की है इसी बात के लिए एंड दैट को मैं यूजली अपने साथ घर में दिखाऊंगा. दैट इज़ व्हाट द प्लान वाज. मेरे फ्रेंड्स आए मैं सब बेसिकली ट्राई ये करता हूँ कि आई कॉल द मोस्ट ऑनेस्ट पीपल ऑफ माई लाइफ सो दैट इट जेन्युइनली गिव मी ट्रू रिव्यूज़ क्रिटिसिज्म व्हाटएवर अच्छा बुरा सब. तो आए हुए अब बहुत लोगों से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है. नर्वसनेस तो कुछ नहीं है एक्साइटमेंट ही है बिकॉज ज़ेशान और दीपक जिन्होंने बनाया है दे आर वेरी क्लोज टू मी दे आर लाइक माई ब्रदर्स सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम. एंड जितना भी हमने शूट किया है जितना भी मैंने शूट किया है आई कैन गारंटी कि इट्स गोना बी लाइक अ लाफ राइड. नहीं हॉरर कहीं से नहीं है. ठीक है एक आत्मा है एक भूत है भूतपूर्व बट कहीं डर नहीं लगने वाला. आउट एंड आउट हंसी आती रहेगी. इवन जो यमराज हैं आपने देखा ही होगा यमराज जी तो मतलब एवरी थिंग इज़ लाइक फन. तो डर कहीं से नहीं लगेगा. हाँ सेट पे ये था कि जब आउटडोर में थे हम शिवपुरी में तो बहुत मस्ती करी एंड वी यूज टू शूट लाइक टिल 6:30 इन द इवनिंग. तो उसके बाद सब फ्री टाइम रहता था तो गुड कंपनी गुड पीपल अराउंड बहुत मज़ा आया. गुदगुदी है एक्साइटमेंट है सब कुछ है अंदर उबल उबल के फट रहा है. बाकी आप लोगों पर डिपेंड करेगा आप लोग देखेंगे स्क्रीनिंग बताइएगा कैसी लगा क्योंकि कुछ एपिसोड्स हम दिखा पा रहे हैं आज. बट आई थिंक शो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि होलसम फैमिली एंटरटेनर है सबके लिए कुछ ना कुछ है. हॉरर कॉमेडी है रोमांस भी है थोड़ा बहुत एक्शन भी है चेज भी है तो हमने सबके लिए कुछ ना कुछ रखा है. तो आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा. बाकी मैं बहुत नर्वस हूँ एक्साइटेड भी हूँ मेरी फैमिली भी है आई एम श्योर बहुत लोगों की फैमिलीज आई हुई हैं और आप भी अपनी फैमिलीज को लेकर ज़रूर देखिएगा 7 मई को Z5 OTT प्लेटफॉर्म पर. बहुत सारी है एक्चुअली हमने अभी मेमरीज अभी हमारी फॉर्म बस हुई है और हम होप कर रहे हैं कि सीज़न 2 भी बहुत जल्दी शुरू हो बिकॉज हम सब बहुत अच्छी एक परिवार सा बन गया है. हम लोग रोज़ अपना हमारे दिन के सारे टाइम पर सारा खाना हम साथ में खाते थे एक परिवार की तरह एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठ के. और बिकॉज बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं शो में तो बहुत सारी कास्ट हम सब बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी.